आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और आगे आपको प्रण करना है कि अपने परिचित 10 लोगों को आप इस पिक्चर को ना देखने के लिए प्रतिज्ञा कराएंगे। हनुमान जी अल्लू को आपने क्या दिखा दिया, एक जादी मतलब उनकी आदि से, अरे मतलब क्या दिखाना चाहते थे आप हमें नहीं पता। राम के चरित्र का चित्रण इस प्रकार का होना चाहिए था कि लोग उनका अनुसरण करें, और रावण के चित्र का अनुसरण करके आप ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा। अरे किरदार का ही तो हम किरदार को ही तो पूछ रहे हैं भाई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि भाजपा के कार्यकाल में ऐसी फिल्मों का चित्रांकन हो रहा है जबकि सेंसर बोर्ड पूरी तरह से भाजपा के अंडर में है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि जो डायलॉग हैं उन्हें बदलने की बात कह दी गई है, लेकिन बावजूद इसके विरोध है। और इस विरोध का नतीजा ये है कि आदि पुरुष पहले दिन जिस तरह से ऊपर उसके कमाई का ग्राफ उठ रहा था वो औंधे मुंह नीचे आकर गिर गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इस फिल्म को लेकर जो विवाद है वो अब कितना गहराने वाला है? क्या डायलॉग बदल देने भर से आदि पुरुष का बेड़ा पार हो जाएगा? ये देखने वाली बात है। बड़ा सवाल अब ये है कि तमाम हिंदूवादी संगठन जो जब फिल्म शाहरुख खान की जो फिल्म आई थी उसे लेकर जिस तरह से विरोध हुआ था, पठान को लेकर जिसमें भगवा वस्त्र को लेकर दीपिका पादुकोण के लिए विरोध किया गया था, और भी तमाम जो फिल्में जो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हुए बनाई जाती हैं उन पर इस बीच बेबाकी से लोग बोलते हैं, खासकर वो संगठन जो हिंदू पताका की पताका को उठा कर चलने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड बजरंग दल के मिलन प्रमुख मौजूद है विकास वर्मा जी। पठान में हमने देखा था आप लोग निकल पड़े थे, कई जगह थिएटर बंद करा दिए गए, पोस्टर फाड़ दिए गए कि उसमें भगवा रंग की बिकिनी पहन ली थी दीपिका पादुकोण ने, बड़ा विरोध उसका हुआ था, बावजूद उसके उसको हटाना पड़ा और फिल्म तो वो सुपर डुपर हिट रही थी। आदि पुरुष में क्यों कहा जा रहा है कि हिंदूवादी संगठन चुप है? क्या आप खामोश हैं? देखिए खामोश नहीं है, हमने हर बार जब भी इस प्रकार का स्टैंड लिया, चाहे वो पीके हो, चाहे वो पठान हो या और उससे पूर्व भी जो पिक्चर रिलीज हुई हो, और उसमें हमारे द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता रहा, पिक्चर हॉलों के बाहर प्रदर्शन किया जाता रहा, और इक्का दुक्का शो बंद हुए और उसके बाद देखा गया उसका जो आर्थिक रूप से ग्राफ था वो बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ा। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर होते हैं, मूवी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके मन में एक बात आई कि कोई ऐसा सीन उस पिक्चर में डाल दिया जाए जिससे हमारे पिक्चर्स का प्रमोशन हिंदू वाली संगठन ही कर दें। तो ऐसा ही अभी पूर्व में पठान के साथ हुआ। देखिए हमारा कहना है कि सनातन संस्कृति है, इसको जीवित रखने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। वो भगवा का अपमान किस पर, देखिए भगवा हमारे रंग ही तो है, कहने के लिए रंग है उनके लिए, लेकिन हम कहते हैं भगवा इस देश की सनातन संस्कृति से मिलता है, यहाँ के मान बिंदु उस भगवा पर आधारित है। और हम कहते हैं भगवा केवल रंग नहीं है, भगवा केवल रंग नहीं है, परम पिता की इच्छा है, इसको पहन कर जीवित रहना सबसे बड़ी प्रतीक्षा है। अब आदि पुरुष आई, अरे रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के ऊपर आए, एक फिल्मांकन कर रहे हैं, चित्रांकन कर रहे हैं, और उसकी मर्यादा को आप लोगों ने तार तार कर दिया। और वो मनोज मुंतजी तो 3 वर्ष पहले हिंदू बने हैं, जो उससे पहले सेकुलर लिबरल लेकर हिंदू समाज को जाने क्या क्या अपनी कविताओं के माध्यम से कहते थे, लेकिन उन्होंने देखा जब उनका भी ग्राफ गिरता रहा आर्थिक रूप से, जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो 3 वर्ष पहले वो हिंदू बने। लोगों ने भरोसा भी किया, चलो हो सकता है अब वापस आ रहे हो, 2-4 उनके काव्य पाठ भी बड़े अच्छे थे जो एकदम प्रमोशन दे रहे थे हिंदू समाज को भी। लेकिन अभी आकर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना तो नुकसान किया ही किया, लेकिन दक्षिण के जो हीरो हैं, जो अपने छवि से अपने जो फिल्मांकन का वहाँ दृश्य दिखाया जाता है दक्षिण पिक्चरों में, वहाँ भव्यता दिखाई जाती है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म को वहाँ इतना महान बताया जाता है कि उसमें कोई संशय और किसी प्रकार का कोई ऐसा रह नहीं जाता, और उसको भी उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। हमने इसके लिए सबसे बड़ी क्या मुहिम चलाई, हमने लगातार इसमें जो हमारे मिलन चलते हैं उसके माध्यम से हमने लोगों को कहा कि ना तो इस मूवी को आप देखेंगे, ना ही अपने परिवार को दिखाएंगे, और आगे आपको प्रण करना है कि अपने परिचित 10 लोगों को आप इस पिक्चर को ना देखने के लिए प्रतिज्ञा कराएंगे। और ऐसा हुआ, उसके सकारात्मक परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं कि इस पिक्चर को जितना आर्थिक नुकसान होगा उतना ही हम लोगों को फायदा होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ माना है कि जब जब हमने पिक्चर का विरोध सड़कों पर उतर कर किया है उनको प्रमोशन मिला है, और एक बहुत बड़ा वर्ग जिज्ञासा
के कारण कि आखिर क्या है पिक्चर में एक बार देख तो लें, और इस कारण वो थिएटरों में जाने का रुख बनाया उन लोगों ने। लेकिन इस पिक्चर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है, और हमने बहुत सहमित और मर्यादित भाषा में इसके लिखा है। देखिए निम्न स्तरीय डायलॉग, मतलब कोई स्तर ही नहीं है। विकास भाई, 600 करोड़ की फिल्म है, ओम रावत इसके डायरेक्टर हैं, मनोज मुंतशिर आपने कह ही दिया, जो कि भगवा ध्वज पताका लेकर चल रहे थे, वो तो सनातन खाते थे, सनातन ओढ़ते थे, उन्होंने जब ये काम कर दिया तो उसमें आपको कुछ अच्छा नहीं दिखा है? कुछ ऐसी बातें लगी जो अच्छी हैं उस फिल्म में, या सब कुछ खराब? देखिए कुछ भी अच्छा नहीं है। आप अगर बच्चों को, आप हम बात करते हैं रामायण महाभारत मतलब गीता और अपने धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण, जब हम उनका ज्ञान सही दृष्टि से अपने बच्चों को नहीं दिखा पाएंगे तो वो क्या किस चीज़ पे अमल करेंगे? जब हम एक दो मार्ग होते हैं किसी जगह जाने के लिए, घंटाघर आने का एक सीधा मार्ग है, चक्राधर रोड से अगर आप इधर से आ रहे हैं, कोलागढ़ से आप गांधी रोड से आ रहे हैं तो गांधी रोड का मार्ग है। अब आप उसके लिए कोई विकल्प चुने कि हम पल्टन बाजार की दुकानों की छतों से होकर घंटाघर पहुँचेंगे, तो ये कोई विकल्प नहीं हो। और उसके बारे में आप क्या बताएंगे बच्चों को? जब बच्चे बाहर निकलते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे, कितने आपत्तिजनक, अत्यंत अमर्यादित, मतलब उसमें जो उन्होंने बिल्कुल टपोरी भी ऐसे नहीं है। हनुमान जी का लुक आपने क्या दिखा दिया, एक जादी, मतलब उनकी आदिशी, अरे मतलब क्या दिखाना चाहते थे आप हमें नहीं पता। लेकिन मनोज ने मुंतजिर जो उनका नाम के आगे कहा था, उसको पूरा साक्षात्कार कर दिया कि उनके नाम के आगे मुंतजिर क्यों लिखा जाता था। और इस फिल्म में तो शाहरुख खान भी नहीं थे, किसी समुदाय विशेष के लोग नहीं थे, वो तो थे ही। आपने देखा ही नहीं, एक पूरे थिएटर का बेड़ा गर्व करने वाला तो सैफ अली खान ही तो है, जिसको रावण, अरे रावण किरदार नहीं मारे थे, डायरेक्टर राइटर तो जिसको किरदार देना है उसको कुछ पता तो हो, उसको उस बारे में कुछ जानकारी तो हो। आप किसी को थोप रहे हैं जबरदस्ती और उसके अनुसार उस पिक्चर का चित्रण कर रहे हैं। क्या है सैफ अली खान, क्या है शाहरुख खान? अरे कोई प्रकांड पंडित लेना था, जो रावण एक महान प्रकांड पंडित रहे हैं, शिव भक्त रहे हैं, और उनके जब उस समय भी जब शत्रु और मित्रता की बात होती थी, अगर युद्ध भी लड़े जाते तो नियम अनुसार लड़े जाते थे। लेकिन विकास जी, सबसे ज़्यादा तो अगर किसी के किरदार अभिनय की तारीफ हो रही है तो सैफ अली खान की हो रही है, कह रहे हैं कि राम तो बिल्कुल फ्लैट चेहरे के साथ आ गए, मुस्कुरा भी नहीं रहे। सर राम को तो ये डायरेक्टर ने तो कर दिया, और डायरेक्टर को किसने मैनेज किया? सैफ अली खान ने। तो कई कुल मिला के जो प्रभात की जो छवि बनी थी बाहुबली से, एक विशाल भव्यता जो हिंदू समाज की सनातन की दिखाई गई थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हुई। और प्रभास के मुंह पर भी चमाचा है, उससे आप समझ जाना चाहिए प्रभास को। सैफ अली खान की वजह से हुआ है? बिल्कुल उन्हीं की वजह से हुआ, ये भी एक सुनियोजित षड्यंत्र ही होता है। आज तक आप देखिएगा बॉलीवुड में जितने भी अभिनेता आए हैं, जो ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने अपने अच्छे क्रिया से इस स्थान बनाने का प्रयास किया, उनको बिल्कुल मटियामेट कर दिया गया, चाहे वो ऋतिक रोशन रहा हो, चाहे विवेक ओबराय रहे हो, या अन्य लगे हो। खान बंधुओं का एक वर्चस्व इस फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहा, क्योंकि दाऊद के द्वारा इस फिल्म इंडस्ट्री को सुनिश्चित तरीके से चलाया जाता रहा। लेकिन प्रभास का भी उनके बीच मिलकर उनके अनुसार चलना, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं था। प्रभास, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। प्रभास एक बड़े कलाकार हैं, ओम रावत एक बड़े डायरेक्टर हैं, मनोज मुंतशिर एक बड़े राइटर हैं, आप ये कह रहे हैं कि सैफ अली खान ने पूरी फिल्म को हाईजैक कर लिया, डायरेक्टर को है, पूरी टीम को? जब एक राम के चरित्र का चित्रण इस प्रकार का होना चाहिए था कि लोग उनका अनुसरण करें, और रावण के चित्र का अनुसरण करके आप ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा, अरे किरदार का ही तो, हम किरदार को ही तो पूछ रहे हैं भाई, हम किरदार को तो पूछ रहे हैं। प्रभास हमारी नज़र में किरदार है, एक बाहुबली का एक वो अभिनेता है जिसने पूरी सनातन संस्कृति को एक दिखाया, कितना अद्भुत शौर्य, कितनी भव्य विशाल अपनी संस्कृति रही है, और अपने संपत्ति की, अपनी संपदा की, अपनी माँ भारती की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा और असीम ताकत और बड़ा धैर्य दिखाया। लेकिन आज यहाँ पर वो इतने कमज़ोर क्यों है भाई, क्यों कमजोर है? अगर अपनी शर्त देखिए, हमेशा हमने ये सोचा, हमने ये देखा है कि अभिनेता अपने हिसाब से डायलॉग भी चेंज कराता है, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ में संशोधन करनी तो करवाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भविष्य इस एक थिएटर पे रुका हुआ है, और आज इस भविष्य, इस थिएटर से उसका भविष्य चौपट भी हो रहा है। वो किसका? प्रभास का। सैफ अली खान को तो मिल गया प्लेटफॉर्म फिर द्वारा, जबकि वो शून्य में चल रहे थे, उनको प्लेटफॉर्म कहाँ से मिला? रावण से। अरे देखिए रावण का हमें किरदार किस रूप में दिखाना था, वो रूप नहीं दिखा। अरे मांसाहार का कोई रूप होता है क्या? आप मांसाहार दिखा रहे हैं इसमें खुला, आप इसमें खुला मांसाहार दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे जीव दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक, पूरी तरह से काल्पनिक। मतलब आपके कहने का मतलब रामायण बनी तो राम पर बननी चाहिए थी, यहाँ रावण पर बन गई। रामायण भी बनी है, एक मानव पे नहीं बनी, एक चरित्र पर बनी है भाई, एक पुत्र, एक पिता, एक अच्छा शासक, एक भाई,
उसके ऊपर रामायण है। उन्होंने अपने आप में आत्मसात करने के लिए रामायण का निर्माण हुआ है कि आप अच्छे पुत्र बने, अच्छे पिता बने, अच्छे शासक बने और अंतिम अंतिम व्यक्ति तक राजा का मिलना हो, ऐसा उसमें सब कुछ दिखाया गया था। वो थी रामायण। ये क्या रामायण हुई? आपने उसमें इतना सब कुछ डाल दिया, वो कहीं से भी, वो पूरी तरह से मतलब सनातन संस्कृति को पथभ्रष्ट करने का एक रास्ता है। और मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार ऐसी चीज़ों को चोट करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी किसी पर नाट्य रूपांतरण के माध्यम से बने या बड़े चलचित्र के माध्यम से बने, ये कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को पथभ्रष्ट करने के लिए। आप देखिए मुकेश खन्ना या उस समय दौर के जो महाभारत और रामायण के पात्र थे, उनके मन पर क्या बीत रही होगी इस समय। उन्हें पूछते थे लोग, भाई वो जो एक चरित्र था श्री राम का, माता सीता का, उन्हें पूछते थे उनके जीवन में जो भी इस प्रकार की आदतें थी जो गलत हैं, वो आदतें भी उन्होंने उस पात्र के बाद छोड़ दी। ये स्वयं कहना है अरुण गोविल जी का कि मैं सिगरेट पीता था लेकिन मेरा राम जी के चरित्र के बाद वो सिगरेट का जो मेरा व्यसन था वो छूट गया। तो उस व्यसन को छुड़ाने के लिए भी उस पात्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इस चित्रांगण से? कुछ भी नहीं। मेरा आखिरी सवाल है विकास जी, भारत में अभी तक किसी राज्य ने नहीं, पठान आई थी, केरला स्टोरी आई तो बंगाल में बैन कर दिया गया, केरल में भी बैन हो गई, बहुत आवाज़ उठी, नेपाल में जो कि हिंदू राष्ट्र अपने आप को अब कहता है, एक बार वो हट गया था, फिल्म बैन कर दी, न केवल आदि पुरुष को बैन किया बल्कि हिंदी सिनेमा की फिल्मों को ही बैन कर दिया। क्या भारत के किसी राज्य में, आपके उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी, आप इतने राज्यों में भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं बैन अभी तक किया गया अगर इतनी खराब फिल्म बनी है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि भाजपा के कार्यकाल में ऐसी फिल्मों का चित्रांकन हो रहा है जबकि सेंसर बोर्ड पूरी तरह से भाजपा के अंडर में है और वहां से पास होकर ये पिक्चरें थिएटर में लग रही है। तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है कि आखिर वो इस तरफ कहां काम कर रही है। अगर वो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए वास्तव में अगर गंभीर है तो उसको सबसे पहले सेंसर बोर्ड को टाइट करना था कि कैसे इस तरह की पिक्चरें सेंसर बोर्ड से पास होकर बाहर आ गई। अरे सबसे पहले तो रोक वहीं लग जानी चाहिए थी। क्या मतलब है थिएटर तक पहुंचने का? लोगों तक आप लोग गलत चीजें पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी दोषी तो भाजपा ही है जिसके समय में सेंसर के द्वारा इस तरह की पिक्चरों को, और मैं कह रहा हूं हिंदू समाज, देखिए हिंदू समाज की तो ये स्थिति हो चुकी है कि वो विरोध सोशल मीडिया तक सीमित है। कभी हम विरोध भी करते तो गिनती के 10-20 लोग होते हैं इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए, जबकि सामाजिक रूप से पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन अब जो नया ट्रेंड चला है वो वास्तव में बहुत अच्छा ट्रेंड है सोशल मीडिया के माध्यम से, और वैसे मिल के हमने लोगों को जागरूक किया, उसमें बहुत फर्क पड़ा। देखिए मैंने पिक्चर को नहीं देखा लेकिन जो ये देख कर आया वो भी आत्मग्लानी पीड़ा है उसके अंदर में, उसके मन में एक भाव है, कह रहा आप देखिएगा सोशल मीडिया पे मैंने इसके लिए डाला हुआ है तो उसमें लिखा है लोगों ने कि हम कैसे प्रायश्चित करें, हमने ये गलत काम कर दिया। मतलब पिक्चर देखना भी उनके लिए, थिएटर देखना भी आदि पुरुष, ऐसा हो गया जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अच्छे लोगों के लिए भाव भी रहे तो भाई, तो आप मांग करेंगे बीजेपी से, कम तक आपकी तो बातें सुनी जाती हैं भाजपा में। मैं उनको चेताने के लिए कहूंगा कि वो बाहर आ जाए, वो बाहर जाने, भाजपा के कार्यकाल में अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो खाली हिंदुत्व का झंडा दिखाने मात्र से नहीं होगा। अगर वास्तव में सनातन संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें कुछ करना है तो सबसे पहले चलचित्रों पर लगाम लगानी पड़ेगी। जितने नाटक बन रहे हैं आजकल टीवी में दिखाए जा रहे हैं वो सब हमारी संस्कृति को दूषित करने वाले हैं, उनके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। भाई सेंसर आपके पास है, आप किसी और को नहीं ब्लेम कर सकते, आप ब्लेम करेंगे जो केंद्र में सत्ता है, जो राज्यों में सत्ता है, वो इस पर क्या काम कर रही है। जब इस प्रकार के कामों में कुछ उन्हें विरोध करना चाहिए तब वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखती है, उन्हें राजस्व का नुकसान है। अरे कैसे देखती है, मैं तो मानूंगा इस मामले में बिहार नीतीश सरकार बहुत मजबूत है जिसने शराबबंदी सख्ती से लागू कराई। और आज भाजपा जब व्यसनों की बात करते हैं, सिगरेट हो शराब हो, उनके प्रदेशों में खुलेआम बिकती है। और इतनी आज उत्तराखंड की स्थिति देखिए, पंजाब के गर्म में पूरी तरह से नशावृत्ति में लिप्त है यहाँ के युवा, तो इस तरफ कोई मजबूत कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी सरकारों की है कि धरातल पर कहीं काम नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं, जो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ कही है कि अगर वास्तव में हमें किसी चित्रण रोकना है, आज आप इस्लाम धर्म पे कोई भी ऐसी टिप्पणी करके देखिएगा, आपको उसका रिजल्ट सड़कों पर दिखेगा, लाखों लाख लोग सड़क पे होंगे। तो क्या कहते हैं कि जग नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, जग नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। जब तक आप सामने वाले का अहंकार नहीं तोड़ेंगे ना,
उसका रिपू, उसका मान मर्दन नहीं करेंगे ना, तब तक कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो हिंदू समाज को भी इन सब विषयों के लिए जागना होगा। जो सक्रिय लोग हैं, समाज में काम करते हैं और ऐसे विषयों पर संघर्षशील हैं, उनको संघर्ष करने के लिए नए नए विकल्प चुनने पड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश मुख्यमंत्री को इस बारे में विचार करना होगा कि आदि पुरुष को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। ये सनातन संस्कृति को दूषित करने वाले चलचित्र हैं। मैनेज क्या करना है, अगर खराब है तो बैन कर दे। बिल्कुल, पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ बैन करें, मैनेज बैन करें। और केंद्र को देखना चाहिए सेंसर बोर्ड में कौन निकम्मे लोग बिठा रखे हैं, या फिर स्पष्ट कर दें कि भाई फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं, शुरू में तो कर दी थी, एक दो नेताओं ने तो भाजपा के कर दिया था इसको। बिल्कुल ऐसा सम्मान दे रहे, ऐसे सम्मान दे रहे थे जैसे वास्तव में रामानंद सागर की रामायण आप दिखा रहे हैं। और इतना घटिया आप लोगों ने वो किया, मतलब ये कई बार बहुत प्रोपोगंडा इतना गलत है। और ये सनातन संस्कृति के साथ ही लगातार खिलवाड़ हो रहा है, और ये तब हो रहा है जबकि केंद्र में भाजपा सरकार है। तो कहीं ना कहीं उस सरकार के लिए चुनौती है कि सेंसर बोर्ड में जो आपके द्वारा लोग बिठाए गए हैं पूरी तरह से निकम्मे हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, जो ले देकर सेटिंग कर पूरी तरह से समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और ऐसे चलचित्रों को समाज में दिखाने के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। प्रसून जोशी हैं, वो तो उत्तराखंड के ही रहने वाले। नहीं, लालच आर्थिक लाभ के चलते कुछ भी कर सकते हैं क्या? उत्तराखंड में पुरोला का एक आंदोलन शुरू हुआ तो उसके विरोध में क्या उत्तराखंड के लोग नहीं आ रहे क्या? मानसिकता की बात करते हैं ना हम, वामपंथी विचारधारा से नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसून जोशी होना अलग चीज़ है, लेकिन उनकी विचारधारा कहाँ चल रही है वो देखना अलग चीज़ है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, किस तरफ चलती हैं? मुस्लिम तुष्टिकरण की बिल्कुल सक्रिय राजनीति करती हैं, खुलकर करती हैं। नाम से तो ममता है, लेकिन अगर उन्हें मुमताज़ बेगम कह दे तो मैं कहता हूँ बुरा नहीं होगा। तो ऐसी प्रसून जोशी को भी कुछ कह दे। जब आप संस्कृति की चिंता नहीं करेंगे, सनातन की चिंता नहीं करेंगे, आप सिर्फ आर्थिकोपार्जन तक सीमित रहेंगे, सिर्फ आर्थिक लाभ लेने के लिए आप रहेंगे, तो ऐसे ही सामाजिक ताना बाना खराब होगा और आदि पुरुष जैसी पिक्चरें रिलीज होती रहेंगी। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे विकास वर्मा, जिन्होंने आईना दिखाया है बीजेपी को, क्योंकि हिंदूवादी संगठन जो हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकारों में उनकी सुनी जाती है, उनकी बात मानी जाती है, क्योंकि भाजपा का आधार ही अगर हिंदुत्व है, अगर उसी का झंडा बुलंद करना है, तो फिर देश में जहाँ जहाँ कम से कम बीजेपी की सरकार है, अगर ये फिल्म गलत है, अगर गलत है, अगर इसके डायलॉग इतने बुरे हैं, अगर इसका चित्रण इतना गलत है, अगर कहानी में छेड़छाड़ की गई है, अगर मनोज मुंतशिर ये कहते हैं कि मेरे डायलॉग से किसी को परेशानी हुई है तो मैं बदलने को तैयार हूँ, वो बदलकर अपनी गलती मानने को तैयार हैं, तो सरकारें क्यों अभी तक इस फिल्म को बैन नहीं कर रही है, जबकि पड़ोसी मुल्क नेपाल में इस फिल्म को पहले दिन न केवल आदि पुरुष को बल्कि तमाम हिंदी सिनेमा की फिल्मों तक को बैन कर दिया गया, बड़ा स्टेप उठाया गया। अब सवाल यहाँ पर सरकारों पर है कि क्या इस फिल्म को बैन किया जाएगा। वैसे भी आदि पुरुष का जो कलेक्शन है वो लगातार अब घटता जा रहा है। कह रहे हैं मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।